नमस्कार, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता। इस समय मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत गंगेओं विकास खंड के शासकीयपुर माध्यमिक विद्यालय अतरैला में मैं इस समय हूँ, जिस तरह आप सामने देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने बच्चे हैं, लगभग 3:30 बजे का समय हो रहा है और अभी स्कूल में पढ़ाई लिखाई का कार्य चल रहा था। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा का कार्य, और यहाँ पर उनको खड़ा करके अभी गिनती पहाड़ा वगैरह इस तरह से पढ़ाया जा रहा था शिक्षकों के द्वारा। और सामने आप इस स्कूल परिसर को देख लें, सामने यहाँ पे हैंडपम्प है और कुछ यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जिसमें से गांव के नागरिकगण हैं, अभिभावक हैं और साथ में यहाँ पे प्रधानाध्यापक महोदय हैं। इस तरह से ये लोग यहाँ पे सब खड़े हुए हैं और पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बच्चों के पढ़ाने की आवाज़ भी आ रही है। अब आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं। हम आपको बता दें कि आप इस स्कूल परिसर के ऊपर से जो देख रहे हैं, हाई टेंशन की लाइन गई हुई है। हाई टेंशन लाइन 11,000 वोल्टेज की लाइन है और ये काफ़ी समय से यहाँ पे लाइन गई हुई है। इसको हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। यहाँ पे ग्रामीण जनों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा निरंतर बातें रखी गई, मीडिया के माध्यम से बातें रखी गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इस विषय में काफ़ी लिखा पढ़ी का कार्य किया हुआ है, बिजली विभाग को दिया हुआ है। बिजली विभाग से भी एस्टीमेट आ चुका है, सब बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस लाइन को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया है। अब जो भी इसकी विभागीय संरचना के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य होना है, यह इन ग्रामीण जनों को नहीं पता है। इनका ये कहना है कि हमें तो सिर्फ ये लाइन शिफ्ट चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, पहले इसको दिखा दें कि ये विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2018 का, आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 73 मनगमा अनुसूचित जाति मतदान केंद्र क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अतरैला, सम्मिलित ग्राम अतरैला एवं बनपताई, कुल मतदाता 285, पुलिंग 580 और 505 महिलाएं, मतदान का दिनांक 28/11/1928 को होना है और आज 16 नवंबर है, 16/11 है। मतदान का समय बताया गया है 8 बजे से 5 बजे तक। बीएलओ का नाम भी लिखा है संतलाल यादव, उनका मोबाइल नंबर 97-54-67-67-44। जीआरएस का नाम पंकज कुमार मिश्रा और उनका मोबाइल नंबर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यह पूरा का पूरा यहाँ पे मामला है और यहाँ पे चुनाव होना है। इन ग्रामीणों का ये कहना है कि यदि स्कूल में तो किस तरह से आप देख सकते हैं। बच्चों थोड़ा सा रुकना, आप लोगों का इसमें जानकारी लेना है, आप लोगों के लाइन के बारे में है ना। अभी आप लोग रुकना, तो आप हमें स्कूल के जो सबसे पहले जो यहाँ पे उपस्थित ग्रामीण जन है, बाबा को उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम प्रमोद सिंह बघेल है जी, मैं अतरैला का निवासी हूँ। मेरी बच्चियाँ दो पढ़ती हैं इस स्कूल में और मेरा ये अनुरोध है कि मतदान हो लेकिन लाइट शिफ्ट किया जाए, इसके बाद मतदान हो। तो आपका ये कहना है कि यदि लाइन शिफ्ट नहीं होगी तो आप लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे? हाँ, हिस्सा नहीं लेंगे सर। आखिर इतनी ऐसा क्यों आप कहना चाह रहे हैं? क्या आप, बहुत बड़ा खतरा है क्या आपके बच्चों को और सब? जी बच्चों को खतरा है, ये हाई टेंशन का लाइट है, छत के ऊपर से गई हुई है और किसी समय भी टूट सकता है तार। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जिस तरह से आप देख सकते हैं छत के ऊपर से लाइन है, छत से बिल्कुल 1.5 फीट ऊपर से लाइन है। यहाँ पे छत में बच्चों को चढ़ने के लिए मना किया गया। जी हाँ बताएं जी, इसीलिए मेरा निवेदन है कि पहले लाइट शिफ्टिंग किया जाए और मतदान कराया जाए। जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? ये लाइट का है। आपका शुभ नाम क्या है? रामलाल विश्वकर्मा। क्या कहेंगे इस हाई टेंशन लाइन के बारे में? लाइट का ही वो हो ही चाहिए कि क्या होना चाहिए कि लड़का सारे मर जाए, यहाँ करंट लग जाए, 50 लड़का फंसी है इकट्ठा, तो लाइन शिफ्ट हो जाए। आप ये चाहते हैं? हाँ, तो यदि लाइन शिफ्ट नहीं होगी तो क्या 28 तारीख का जो मतदान आ रहा है उसमें आप मतदान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि कोई विकास हो यहाँ पे, आपकी समस्याओं का समाधान हो? हाँ, स्कूल मतलब आपके बच्चों के एवज में आपको मतदान नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल सही बात है, बच्चों के एवज में मतदान नहीं चाहिए। आपका शुभ नाम? दशरथ लाल साहू। क्या कहना चाहेंगे हाई टेंशन लाइन के बारे में? इसको हटाया जाए मतदान के पूर्व। मतदान के पूर्व 28 नवंबर को मतदान के पूर्व हटाया जाए। यदि सहमत है, नहीं तो नहीं। नहीं तो आप मतदान से सहमत नहीं, आप मतदान नहीं करेंगे तो मतलब संपूर्ण गांव ही इसका बहिष्कार करेगा, मतदान के लिए लाइन नहीं हटी तो। हाँ ऐसे ही। तो बेसिकली ये लाइन की वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं इस समय आप लोगों को? ये तो आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं हमारे, हमारी भी बच्चियां पढ़ रही हैं, इसमें कुछ भी होएगा तो बाद में क्या होगा जब अभी इसका नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चे यहां पर किस तरह से एकत्रित हैं। यह भी इनकी भी मांग है कि यहां से लाइन शिफ्ट होनी चाहिए। क्यों बच्चों, ये लाइन यहां से शिफ्ट होनी चाहिए? हाँ। क्या समस्या होती इससे आपको? कितनी देर? आप क्या छत में चढ़ते हो? नहीं। क्यों नहीं चढ़ते हो? बिजली के कारण। बिजली के कारण
यहाँ पे कोई भी अप्रिय दुर्घटना हो सकती है, तो सभी बच्चे एक स्वर से चाहते हैं कि यह लाइन यहाँ से शिफ्ट हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे प्राचार्य महोदय भी हैं, प्रधान अध्यापक महोदय हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? शिवनाथ साकेत। आप यहाँ पे प्रधान अध्यापक हैं जी, फुल चार्ज में या प्रभारी हैं? फुल प्राचार्य जी। हाँ प्रधान अध्यापक जी, ये बताइए आपके स्कूल में ये जो हाई टेंशन की लाइन गई हुई यहाँ से इतने पास से, इस विषय में आपने अभी तक क्या कार्यवाही करवाई है? हम लिखा पढ़ी किए हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को और बिजली विभाग को दिया हूँ, अब उनकी कार्यवाही करना उनका काम है। हमें तो जब तक 10 बजे से 5 बजे तक खतरा बना रहता है हमेशा बच्चों के विरुद्ध, हमारे प्रति किसी समय तार स्पार्क हो करके बस मन 200-400 बच्चों की मृत्यु हो सकती है, यही खतरा है। और यदि ऐसी कोई घटना घटित हो गई तो उसकी जिम्मेदारी आपके सीधे आपके सर पे आएगी? और क्या, पहले तो हम ही मारे जाएंगे। बिल्कुल, आपकी नौकरी से आपको बर्खास्त करेंगे, आपके ऊपर कार्यवाही करेंगे, ये सब बातें हैं। तो इसलिए आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लाइट हट जाए तो ये दुविधा दूर हो जाए। अब तक इस विषय में क्या कुछ कार्यवाही हुई है? अभी तक हमने 2-3 बार आवेदन कर चुके हैं अपने कनिष्ठ यंत्री को, विभाग को। क्या उन्होंने कुछ आपको और जानकारी भेजी है? वो अभी आपके लाल गांव से एक एस्टीमेट बना के भेजे थे और उसमें बोले थे कि 54,000 रुपये का खर्चा है। हमारे विद्यालय में कोई ऐसी राशि है नहीं, 4-6,000 रुपये आती है टाट पट्टी के लिए, तो उसमें हम स्कूल का मेंटेनेंस करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे अभिभावकों ने कहा है कि यदि 28 तारीख के पहले, आज 16 तारीख है, 16 नवंबर है, 28 तारीख नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा का मतदान होना है 2018, 28 नवंबर 2018। सभी यहाँ पे अभिभावकों का कहना है कि यदि इसके पहले लाइन शिफ्ट नहीं होती है तो वो मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस बारे में हम देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, गाँव की जनता चाहे, हम शासकीय कर्मचारी हैं, हमसे ज़्यादा उससे नहीं है चुनाव ना। बिल्कुल, आप शासकीय कर्मचारी हैं, आपसे अपनी ड्यूटी से मतलब है, लेकिन जनता यहाँ पे निश्चित तौर पे चाह रही है कि यह लाइन शिफ्ट नहीं हुई तो मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। आपका शुभ नाम? हरिवंश साहू। कहाँ रहते हैं? अतरैला में। आपके भाई बहन भी यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, दो भाई पढ़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस हाई टेंशन लाइन के बारे में जो ऊपर ये खतरनाक तरीके से है छत के ऊपर? तो स्कूल के ऊपर है, इसको हम हटाना चाहते हैं, और ये स्कूल में ही नहीं हमारे घर पे भी गया है, ये उसको भी हम हटाना चाहते हैं जी। और आपके 18 वर्ष से ऊपर हैं जी, आपका वोटर आईडी बना है? वोटर आईडी अभी नहीं बना है, वोटर आईडी नहीं बना है, तो इस साल आप मतदान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 18 साल के हम नहीं करेंगे, लेकिन माता पिता हैं वो करेंगे। 18 साल के ऊपर के सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक कैंडिडेट भी मिल गए हैं जिसका वोटर आईडी नहीं बना है, बीएलओ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग बात है, इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे। आपका शुभ नाम? सूर्यपाल सिंह। सूर्यपाल सिंह, आप अतरैला के हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस हाई टेंशन लाइन के बारे में? भाई ये लाइन बच्चों को खतरा होती है, और ये निकल जाए साइड से हो जाए तो साइड से हो जाए, स्कूल के ऊपर से ना रहे, बच्चे 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, टूट जाएगी तो समस्या होगी। चलिए, यदि आज 16 नवंबर है और 28 नवंबर को मतदान होने वाला है, यहाँ पर आपका मतदान केंद्र क्रमांक 15 बनाया हुआ है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 73 मनगमा का, यदि 28 नवंबर के पहले लाइन शिफ्ट नहीं होती है तो क्या आप मतदान में हिस्सा लेंगे? नहीं लेंगे। आप लोगों ने मतदान बायकॉट करने के लिए बात कही है? हाँ। अच्छा, तो मतदान में हिस्सा ना लेने का मात्र कारण एक यही है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं और लाइन शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल, आपका शुभ नाम? रोहिणी प्रसाद मिश्रा जी। बाबा, आप इस हाई टेंशन लाइन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कट जाए, यहाँ से हट जाए। हट जाए। आपके गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार करने की बात कही, 28 नवंबर को होने वाला है, इस विषय में आपका क्या कहना है? आप भी क्या मतदान में हिस्सा लेंगे? मतदान में यदि ये लाइन नहीं हटी नहीं आएंगे आप मतदान में हिस्सा लेने? तो आपने देखा कि मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे यदि लाइन नहीं कटी तो, बहुत बड़ी बात है इस गाँव में। आपका शुभ नाम? आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी हाँ। किस ग्राम से हैं? अतरैला से। क्या कहना चाहेंगे हाई टेंशन लाइन के बारे में? ये हट गया चाहे साहब, तो यदि नहीं हटती है तो नहीं, तो हम वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालेंगे आप? नहीं डालेंगे। बिल्कुल, इस तरह से कहना है हमारे इस ग्राम क्षेत्र के लोगों का। आपका शुभ नाम? चंद्रिका प्रसाद। आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी हाँ। किस ग्राम से हैं? किस ग्राम से हैं? ग्राम अतरैला। अतरैला से ही है। कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं? हमारे दो बच्चे पढ़ते हैं। किस किस क्लास में है? एक पांचवी में है और एक छठवीं। छठवीं में। तो इस स्कूल में जो हाई टेंशन लाइन आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ से गई हुई है, ये ऊपर जो दिख रही है 3 तार बहुत करीब से निकले हुए हैं, तो इसको शिफ्ट करने की बात आ रही है। लोगों का कहना है कि वो मतदान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आपका क्या कहना है?
सही बात है, मतदान में हिस्सा कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा यदि ये लाइन हटेगी। देखा आपने तो किस तरह से कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि यदि इस लाइन को शिफ्ट यहाँ से नहीं किया गया तो वो अपने बच्चों की जिंदगी को दांव पे नहीं लगाएंगे। मतदान उनके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी उनके लिए क्या है, उनके बच्चों की जिंदगी। ये है यहाँ के अभिभावकों का कहना। यद्यप शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी अपनी असमर्थता जाहिर की हुई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने इस बारे में लिखित तौर पे कई बार ये मैटर उठाया हुआ है लेकिन आज तक ना तो बिजली विभाग द्वारा कोई सार्थक कार्यवाही की गई, और बिजली विभाग का एक लेटर अभी प्राप्त भी हुआ है पिछले एक महीने पहले, तभी स्वयं स्कूल शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उस पर संज्ञान नहीं ले रहे। अब सवाल यह उठता है कि आज जब चुनाव आयोग पूरी तरह से हावी है और आचार संहिता लग चुकी है, आदर्श आचार संहिता, ऐसे में जब ये मतदान के बहिष्कार करने की बात आ रही है और इसको मतदान केंद्र क्रमांक 15 बनाया गया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 73 रीवा में, तो सवाल यह उठता है कि इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो मध्यप्रदेश के हैं और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओपी रावत जी हैं जो भारत निर्वाचन आयोग के हैं, आखिर वह इस पर क्या संज्ञान लेंगे, क्या कार्यवाही करेंगे? क्या देखना अब ये है कि क्या 28 नवंबर को होने वाला जो मतदान है उसका वास्तव में यदि ये समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो क्या यहाँ के जो अभिभावक हैं मतदान का बहिष्कार करेंगे अथवा शायद समस्या का समाधान इसके पूर्व में हो जाए। बहरहाल ये बच्चे आप देख सकते हैं, मासूम बच्चे यहाँ पे सब एकत्रित हैं, लगभग 4 बजने को हैं और ये सभी ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। क्यों बच्चों, ये लाइन यहाँ से हटनी चाहिए? हाँ। ये लाइन यहाँ से हटनी चाहिए? हाँ। आपने देखा कि किस तरह से एक स्वर में सभी बच्चों का ये कहना कि हाई टेंशन लाइन यहाँ से हटनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को ही आखिर जिंदगी प्यारी है और मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के अंतर्गत जीवन का जो अधिकार है, सभी को जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, और उस जीने के अधिकार का हनन किया जाना किसी भी तरह से मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। तो इस उल्लंघन को कैसे रोका जाएगा, विभाग आगे क्या करेगा, चुनाव आयोग इसमें क्या करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं शिवानंद द्विवेदी एक सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता इस शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तराला विकासखंड गगेओ रीवा मध्य प्रदेश से इस परिसर से हाई टेंशन लाइन से जो ये आच्छादित परिसर है पूरी तरह से ढका हुआ है, आप देख सकते हैं खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है, किसी भी समय कोई भी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है, वहाँ से आपको वापस लिए चलता हूँ ये सब पूरा वाक्य को दिखाते हुए। उम्मीद वही की जाती है कि जब मीडिया शासन प्रशासन के समक्ष यह बात जाएगी तो उस पर कोई सार्थक पहल होगी, सार्थक कार्रवाई की जाएगी। और जिस प्रकार से त्योंथर डिवीजन में कटरा डीसी के अंतर्गत करहिया शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में से जो एलटी लाइन का जो तार इसी तरह से खतरे के निशान में था जो हटाया गया, ठीक उसी तरह से लालगांव डीसी अंतर्गत यह अतरैला स्कूल परिसर से भी जो ज़्यादा खतरनाक है हाई टेंशन लाइन का तार यहाँ से हटा दिया जाएगा और यहाँ के विभागों को राहत मिलेगी, प्रसन्नता होगी और ये जो बच्चे हैं इनको भी काफ़ी शांति महसूस होगी। धन्यवाद। मैं शिवानंद द्विवेदी।